और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप सब जितने हमारे पब्लिक दर्शक हैं आर्यावर्त टुडे को सर आज प्रेस वार्ता बुलाए हैं क्या मुद्दा? देखिए अभी जातीय जनगणना के मामले ने तूल पकड़ लिया और इस मुतालबे ने भी मजबूर कर दिया कि पक्ष और विपक्ष भी एकजुट हो करके जाके प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने हम लोगों का ये कहना है कि जब तक 1948 के जनगणना अधिनियम में अमेंडमेंट नहीं होगा जातीय जनगणना नहीं हो सकता है। 1931 में पहली दफ़ा ब्रिटिश सरकार ने जातीय जनगणना कराया था। 1941 में जातीय जनगणना क्या जनगणना ही नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त अपना देश ही नहीं पूरी दुनिया की हालत अच्छी नहीं थी। 1951 में जो जनगणना होना था उसके पहले 1948 में ही जो जातीय कॉलम था जनगणना से उसको जो है उस वक्त की सरकार ने खारिज कर दिया। तब से जो जनगणना होता है वो जातीय आधार को समाप्त कर दिया। इसलिए मोर्चा का पहला डिमांड ये है कि जो 1948 में जातीय कॉलम को जनगणना की श्रेणी से हटाया गया सबसे पहले अमेंडमेंट किया जाए, कास्ट सेंसस अमेंडमेंट बिल लाया जाए और 1948 वाले जो मामले को जो है उसको पहले ठीक किया जाए। जब तक 1948 वाले इसमें अमेंडमेंट नहीं होगा कास्ट सेंसस में तब तक कास्ट सेंसस नहीं हो सकता है। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ये कहना है कि जब मुसलमान ओबीसी रिजर्वेशन में है शेड्यूल ट्राइब्स में है और अब जो इकोनॉमिकल बेस पर जो रिजर्वेशन मिला अपर कास्ट को उसमें भी है तो फिर जब सेंसस हो रहा है तो उसमें कास्ट का बेस क्यों नहीं होना चाहिए? जो शेड्यूल कास्ट मुस्लिम्स हैं उनको शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में नहीं रखते हुए ओबीसी में रखा गया है। हम लोग 1994 से डॉक्टर एजाज अली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में धारा 343 से धार्मिक प्रतिबंध खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भी हमारी लड़ाई मजबूत होती है तो ये पूछा जाता है कि दलित मुसलमानों की आबादी कितनी है, तो जब तक जातीय आधार पर जनगणना नहीं होगा हम किसी की आबादी कैसे बता सकते हैं। 2010 में भी जब ये मामला बहुत दूर पकड़ा था तो कपिल सिब्बल साहब शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इसी सवाल को रखा और इसी सवाल के आड़ में इस गंभीर मुद्दे को टहरा दिया। इसलिए यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का यह मानना है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, उसमें दलित मुसलमानों की जातियां हैं उनका भी जनगणना होना चाहिए और इसके लिए मोर्चा जो है प्रदेश से केंद्र तक लड़ने के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार है। इसलिए हमारा डिमांड है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिला हम उसे सराहनीय कदम बताते हुए उसका स्वागत भी करते हैं और ये हमारा डिमांड है कि हमारे इस डिमांड को केंद्र सरकार एक्सेप्ट करे। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हमारा यह आंदोलन प्रदेश से केंद्र तक अब शुरू हो जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं। सर बात यह है क्योंकि आप बौद्धिकता की तरह बात करते हैं, बात यह कि इस जातीय जनगणना का लाभ क्या होगा? जब तक पता नहीं चलेगा कि किस समुदाय और किस धर्म में कितनी जातियां हैं और उनकी आबादी कितनी है तो आप जो भी सरकारी आप लाते हैं फंड या जो भी सरकारी स्कीम आती है आप उससे लाभान्वित तो उसको कैसे कीजिए? मतलब क्या लाते हैं? अगर मान के लिए सरकार रोड बनाती है तो क्या करेगी जो गरीब लोग हैं? वो सबके लिए बनता है। हाँ। जो गरीब के लिए, जो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जो स्कीम है उस स्कीम में जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा सही लाभान्वित सही तरीके से वो लोग नहीं। किस तरह का लाभ होगा? अब इंदिरा आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना किसके लिए है? दलितों के लिए है। जो बहुत सारे लोगों को गैर सूदी कर्जा दिया जाता है कारोबार करने के लिए किसके लिए है? पिछड़े दलितों के लिए है। तो जो सरकार इस तरह की चीजें लाती है, अब हमारा जैसा मूल मुद्दा है कि 343 में धार्मिक प्रतिबंध हटा के आपने बात कहा